हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन मथुरा के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर मथुरा पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार है, मथुरा पुलिस उन गैंगस्टरों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है मथुरा के कुख्यात गैंगस्टर गोविंदा का। गोविंदा धनगांव थाना हाईवे का रहने वाला है। गोविंदा पर हत्या के प्रयास, लूट और चोरी के 8 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। गोविंदा का आतंक क्षेत्र में इतना बढ़ गया था कि हर कोई इसके नाम से खौफ खाता था। पुलिस को इसकी तलाश काफ़ी समय से थी, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं था। एक लूट के आपराधिक मामले में थाना रिफाइनरी टीम ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है मथुरा के कुख्यात गैंगस्टर रोहित उर्फ बनिए का। रोहित उर्फ बनिया धनगांव थाना हाईवे का रहने वाला है। रोहित उर्फ बनिया बहुत ही शातिर गैंगस्टर है। रोहित पर हत्या के प्रयास, लूट और गुंडा एक्ट के 14 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को इसकी तलाश काफ़ी समय से थी, लेकिन ये पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग निकलता था। थाना रिफाइनरी टीम ने इसे मुखबिर खास सूचना पर दबोच लिया और गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है मथुरा के कुख्यात गैंगस्टर गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जो का। गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जो उस पार थाना हाईवे का रहने वाला है। गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जो पर अलग अलग थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। गजेंद्र सिंह पर हत्या के प्रयास, गुंडा एक्ट और लूट के 14 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर गजेंद्र सिंह एक लूट के मामले में फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस को काफ़ी समय से थी। पुलिस टीम ने इसे एक सूचना पर गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है मथुरा के कुख्यात गैंगस्टर सुखबीर उर्फ चौटाला उर्फ कालिया का। सुखबीर चौटाला पर लूट, चोरी और डकैती के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको बता दें कि सुखबीर चौटाला बचपन से ही, जब इसकी उम्र 8 साल थी, तब से ही रेल, बसों और ट्रेनों में लूट, चोरी और डकैती की घटना को अंजाम दे रहा था। उम्र बढ़ी तो शौक भी बढ़े, इसलिए अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ी। सुखबीर चौटाला ने बड़ी आपराधिक लूट में भाग लिया। पुलिस को इसकी काफ़ी समय से तलाश थी, लेकिन यह फरार था। इसने अपने 7 अन्य साथियों को मिलाकर एक गैंग बना ली, जिसका लीडर यह स्वयं था। रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि यह कहीं और बाहर जाने की फिराक में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है मथुरा के कुख्यात गैंगस्टर रंगा बिल्ला का। रंगा उर्फ राकेश बिल्ला उर्फ मुकेश पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट और आपराधिक मामले के ढेर सारे मामले दर्ज हैं। रंगा बिल्ला का नाम चर्चा में जब आया, जब रंगा बिल्ला ने 7 साल पहले मथुरा के रतन कुंड चोबिया पांडा में हुए भोलेश्वर चतुर्वेदी उर्फ भोले बाबा का कत्ल कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2011 को घर के पास दोपहर के समय भोले बाबा की हत्या कर दी गई थी। भोले बाबा के 2 गोलियां मारी गई थी। इस मामले में भोले बाबा के भाई तुलसीराम उर्फ तोता बाबा ने राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला और तीसरे भाई भीरज के साथ इन तीनों के पिता बाल स्वरूप और चाचा विजय उर्फ मनुआ को नामजद किया था। वर्ष 2013 में बाल स्वरूप को जेल में मौत हो गई और चाचा विजय का जेल के बाहर आने पर कत्ल हो गया, जबकि तीनों भाइयों को उम्र कैद की सजा हो गई। रंगा बिल्ला फिलहाल जेल काट रहे हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है मथुरा के कुख्यात गैंगस्टर सम्राट गुज्जर का। सम्राट गुज्जर नंगला बोहरा का रहने वाला है। सम्राट गुज्जर पर हत्या के प्रयास, चोरी, लूट और डकैती के मथुरा में 2 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। मथुरा पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि सम्राट गुज्जर अपने साथियों सदस्यों के साथ मिलकर लग्जरी गाड़ियों को लूटता था। रविवार को सतोहा बैरियर पर चेकिंग के वक्त पुलिस ने गैंगस्टर सम्राट गुज्जर को उसके साथी सदस्य के साथ गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से अवैध असलाह और हथियार और एक लूट
लूटी हुई गाड़ी प्राप्त हुई है। पुलिस ने सम्राट गुज्जर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है मथुरा के कुख्यात गैंगस्टर राकेश चौधरी का। राकेश चौधरी यमुना पार के गांव पानी गांव का रहने वाला है। राकेश चौधरी पर हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 17 जनवरी को जिला जेल में हुई गैंग वार में आगरा के अक्षय सोलंकी की हत्या हो गई थी। राजेश टोटा उसका साथी राजकुमार शर्मा को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। राकेश तोता को मथुरा के जिला अस्पताल से आगरा ले जाने के समय राजेश तोता की फरह थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई। मामले में राकेश चौधरी का नाम चर्चा में आया। राकेश चौधरी ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जबकि पुलिस उसे 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है मथुरा के कुख्यात गैंगस्टर समीम का। समीम दोसे रस गांव का रहने वाला है। समीम पर हत्या के प्रयास, लूट, ठगी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्षों से सोने की नकली ईंट से टटलू ठगी करने वाले टटलू कारोबार के लिए कुख्यात है। समीम मोबाइल नेटवर्क के जरिए लोगों से ठगी करता है। सो सेरम गाँव का समीम इस गाँव का कुख्यात गैंगस्टर है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है मथुरा के कुख्यात गैंगस्टर पंडित श्याम सुंदर का। पंडित श्याम सुंदर मथुरा का रहने वाला है, जो पंडिताई करता है। श्याम सुंदर पर ठगी, लूट, डकैती के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि श्याम सुंदर डकैती करने के लिए बदमाशों को हरियाणा और मध्य प्रदेश से बुलाता था, जिससे आसानी से उनकी पहचान ना हो सके। श्याम सुंदर का नाम चर्चा में जब आया, जब इसने डॉक्टर सोलंकी के घर पर 2 कोरियर बॉय को भेजा। कोरियर बॉय ने पानी मांगा। जैसे ही डॉक्टर सोलंकी की पत्नी पानी लेने गई, तो इन्होंने उसे बंधक बना डकैती को अंजाम दे दिया। एक सूचना पर पुलिस ने श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है मथुरा के कुख्यात गैंगस्टर हरीश शर्मा का। हरीश शर्मा मथुरा के कोयला अलीपुर का रहने वाला है। हरीश शर्मा पर हत्या के प्रयास, रंगदारी और अपहरण के 20 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार ने हरीश शर्मा पर आय से ज़्यादा संपत्ति मामले और गैंगस्टर में निरुद्ध धन इकट्ठा करने के मामले में इसकी संपत्ति की कुर्की की है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन मथुरा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए नीचे दिए इनबॉक्स में लिखे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।